तो हे गाइस, अगर आपका बजट है 40,000 रुपीज का और आप जो की एक पीसी वीडियो देते हैं गाइस गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो यार आप जो की इस वीडियो के एंड तक देखते रहना। आज की इस वीडियो में आपको जो की है 40,000 रुपीज में बेस्ट कंपनी सजेस्ट करूंगा जिसपे की आप जो की है 1080p लेवल पे आराम से गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर GTA 5 से गेम को आप जो की है 1080p लो टू मीडियम सेटिंग्स पे 60+ FPS तक यहाँ पे आप जो की आराम से अचीव कर सकते हैं जिस वाले पीसी पे। और यहाँ पे आपको जो की वाला पीसी फ्यूचर प्रूफ भी देखने को मिल जाता है, बिकॉज यार हम जो की यहाँ पे अभी APU का यूज कर रहे हैं। अगर आप जो कि ग्राफिक कार्ड वगैरह पेयर करना चाहते हैं तो यार फुल्ली यहाँ पे उसके फ्यूचर प्रूफ वाला बिल्ड देखने को मिलेगा। वीडियो के अंदर इतने तरीके चैनल पे नए तो यार चैनल को जो कि जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर ऊपर से वीडियो को लाइक कर मत जाना। तो हे गाइस, जिससे के लिए यू वॉचिंग टेक एडमायर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोसेसर के बारे में बात करूंगा इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि AMD की तरफ से राइजन 5 प्रो 4560G जो कि है APU का यूज किया है। नॉज ये जो कि आपको AMD का 4th जनरेशन का APU देखने को मिलता है जिसमें कि आपको जो कि 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। 3.7 GHz की यहाँ पे उसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 4.2 GHz की यहाँ पे उसकी बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 11 MB की यहाँ पे उसकी कैच मेमोरी देखने को मिलती है इस वाले प्रोसेसर में। EM4 सॉकेट पे बेस्ड यहाँ पे आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। 65W की यहाँ पे जो कि TDP देखने को मिलती है। इसमें आपको जो कि AMD की Vega 7 जो कि ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको जो कि कैपेबल ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। GTA 5 गेम का जो कि 1080p लो टू मीडियम सेटिंग्स पे आराम से खेल सकते हैं। और गाइस कुछ कुछ AAA टाइटल वाले गेम्स में आप जो कि हाई सेटिंग्स पे भी 60+ FPS पे आराम से खेल सकते हैं जिस वाले APU पे। बहुत ही बड़ा APU है गाइस। प्राइस में बात करूं तो 17,700 रुपीज में आपको जो कि MD कंप्यूटर्स पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा ये वाला APU, जिसकी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जाकर जो कि इस वाले APU को परचेज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में बात करूंगा गाइस, जिस वाले PCB में हमने जो कि MSI की तरफ से वाली A520MA Pro जो कि मदरबोर्ड का यूज किया है जो कि यार AMD के 3rd जनरेशन के जो कि प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। और ये जो कि 4th जनरेशन का प्रोसेसर है, बट यार ये वाला मदरबोर्ड जो कि है इस वाले प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल रहेगा। और इस वाले मदरबोर्ड में आपको जो कि दो रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि यार 4600 MHz के रैम को सपोर्ट करते हैं। अगर आप इन फ्यूचर जो कि AMD के 5th जनरेशन के प्रोसेसर पे शिफ्ट होते हैं तो यार यहाँ पे आप जो कि इसके BIOS वगैरह अपडेट करके यहाँ पे आप जो कि शिफ्ट हो सकते हैं। और इसमें आप जो कि M.2 SSD का भी जो कि स्लॉट देखने को मिल जाता है। PCIe 3.0 का भी यहाँ पे आप जो कि पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और गाइस बहुत ही बड़ा वाला जो कि मदरबोर्ड है इस वाले प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल रहेगा। और इन फ्यूचर अगर आप इस पे जो कि ग्राफिक कार्ड भी पेयर करते हैं तो यार यहाँ पे आपको कोई भी बॉटलनेक का इश्यू वगैरह नहीं होगा। प्राइस के ऊपर मैं आपको 5,200 रुपीज में आपको जो कि मदरबोर्ड Amazon पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर जो है इस वाले मदरबोर्ड को परचेस कर सकते हैं। बस रैम की ओर हम बात करते हैं इस वाले बिल में हमने जो कि XPG की तरफ से 8GX G30 जो की 8GB की सिंगल रैम मॉड्यूल का यूज किया है। और ये वाली रैम आपको 3200 MHz पे क्लॉक यहाँ पे देखने को मिलती है। हमारा प्रोसेसर जो कि 3200 MHz की रैम को सपोर्ट करता है सर, इस वजह से हमने जो कि सिर्फ और सिर्फ 3200 MHz की रैम का यूज किया है। बढ़िया यार हमारा मदरबोर्ड जो कि 4600 MHz की रैम को सपोर्ट करता है, बट स्टिल आप जो कि इस पे जो कि 3200 MHz की भी रैम यूज कर सकते हैं गाइस, कोई भी यहाँ पे उसकी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस अगर आपको जो कि 8GB की रैम जो कि सफिशियंट नहीं रहती है तो गाइस आप जो कि 16GB भी जो कि यूज कर सकते हैं एक और रैम मॉडल आप जो कि परचेस करके। बाकी सर बजट के हिसाब से मैंने जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो कि सिंगल रैम मॉडल का सजेस्ट किया है जो कि आपको 4000 रुपीज में यहाँ पे जो कि सिंगल रैम मॉडल देखने को मिल जाएगी Amazon पे, जिसकी लिंक आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर जो कि इस वाले रैम को परचेस कर सकते हैं। नॉइज SSD के बारे में बात करूंगा गाइस, इस वाले PCB में हमने जो कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ओनली 240GB की M.2 SSD का यूज किया गया है जो कि 500 MBPS की यहां पे जो कि रीड स्पीड प्रोवाइड कर देती है। 240GB की भी SSD मेरे ख्याल से जो कि इनफ रहेगी। अगर आपको जो कि सफिशिएंट नहीं रहती तो आप जो कि 512GB की भी यूज कर सकते हैं। और SSD को यूज करने से यहां पे आपको ये PC की परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन बढ़ जाती है गाइस। और SSD को यूज करने से यहां पे आपको जो कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाता है। प्राइस के बारे में 2950 रुपीज में आपको जो कि 240GB की वाली M.2 SSD अवेलेबल Amazon पे देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उसके इस वाले SSD को परचेस कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव के बारे में बात करूंगा गाइस, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमने जो कि 1TB की ब्लू हार्ड डिस्क का यूज किया है जो कि 7400 की RPM पे आती है। 1TB की हार्ड डिस्क इनफ रहेगी गाइस, जिसकी प्राइस है 3599 रुपीज। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उसके हार्ड ड्राइव को परचेस कर सकते हैं। पावर सप्लाई यूनिट के बारे में बात करूंगा गाइस, इस वाले
पीसी बिल्ड में जो की है गीगाबाइट की तरफ से जीपी P550B जो की है पावर सप्लाई का यूज किया है। और जी आपको जो की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला पावर सप्लाई देखने को मिलता है। 550 वाट का पावर सप्लाई देखने को मिलता है जो की बहुत ही बढ़िया बात है। एंड इसमें जो की 120 जो की फैन देखने को मिलता है पावर सप्लाई में। सो 550 वाट पावर सप्लाई यूज करने का यहाँ पे मैं आपको रीजन बताना चाहता हूँ। अगर आप जो की इन फ्यूचर जो की इससे पीसी में ग्राफिक कार्ड पेयर करने वाले तो यार तभी आप जो की 550 वाट का जो की पावर सप्लाई परचेज करना, नहीं तो यार 450 वाट पे भी वाला जो की पीसी चल जाएगा। मैं यहाँ पे जो की फ्यूचर अपग्रेडेशन के थॉट्स जो की 550 वाट का जो की पावर सप्लाई मैं आपको जो की रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको 3250 रुपीज में यहाँ पे जो की वाला गीगावाट का 550 वाट का जो की पावर सप्लाई देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा पावर सप्लाई है, कोई भी यहाँ पे उसकी इश्यू नहीं होगा। की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसके इस वाले पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हैं। कैमरा के बारे में बात करूंगा, इसलिए पीसी बिल्ड में जो की एंटी स्पोर्ट की तरफ से IS211TG जो की कैमरा का यूज किया है। और ये वाली आपको जो की मिड टॉवर गेमिंग कैमरा देखने को मिलती है जिसमें की आपको जो की 2 RGB फ्रंट प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रंट में थोड़े बहुत RGB स्ट्रिप्स देखने को मिल जाते हैं जिससे कि यहाँ पे आपको जो थोड़े बहुत अच्छी खासी लुक यहाँ पे जो की कैमरा प्रोवाइड कर देती है। फ्रंट में आपको जो की मैच टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाता है जिससे कि यहाँ पे आपको जो की थोड़ी बहुत एयर फ्लो जो की अच्छी मेंटेन रहती है। और टेम्पर ग्लास POC स्टोर वगैरह सब कुछ इस वाले कैमरा में आपको जो की देखने को मिल जाता है। मिनी एडेक्स माइक्रो एडेक्स सारे मदरबोर्ड्स के वाला जो की कैमरा सपोर्ट करता है गाइस। और गाइस इस वाले कैमरे में आप जो की एक्स्ट्रा फैंस एंड कूलर्स भी जो की इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा कैमरा है गाइस, प्राइस की बात करूं तो 2750 रुपीज में आपको जो की कैमरा अमेज़न पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, देख के परचेज कर लेना। बट यार इसकी भी आपको जो की बेस्ट बैंक लिंक जो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जगह से किसी कैमरे को परचेज कर सकते हैं। तो बस ये कुछ था हमारा पीसी बिल्ड अंडर बजट ऑफ 40,000 रुपीज। इस वाले पीसी पे आप जो कि 1080p लेवल पे अच्छी खासी गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड गाइस टोटल प्राइस की बात करूं तो 39,500 रुपीज में टोटली आपको जो कि पीसी बिल्ड हो जाएगा गाइस। और गाइस सारे कंपोनेंट की लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन से परचेज करने से चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन से परचेज करना। इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने जो कि फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, उसकी भी लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गाइस इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलता है उसके नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।